दोस्तों हमारे चैनल में जो एसके टेरिस एंड गार्डन टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे खाद की दोस्तों, जिसे आप मोगरा के प्लांट में क्या किसी भी प्लांट में आप डाल देते हैं तो बिल्कुल ग्रीन और हरा भरा हो जाएगा और ये बिल्कुल फ्री का मिलता है। हम अपने घर से रोज़ उसे फेंक देते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं। जिसको अगर हम स्टॉक करके रख लें तो हम सालों साल हमें खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही बेहतरीन इसका रिजल्ट मिलता रहेगा। आप स्टॉक बना के सालों साल उसे रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो में जो है इसमें जो हम बताएंगे उसको स्टॉक बना के ज़रूर रखें। इस खाद में हर चीज़ें मिल जाती है जो भी हमारे प्लांटों को चाहिए। तो ये खाद बना के रख लेते हैं तो बाज़ार से भी खाद खरीदने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस खाद में हर चीज़, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, सारे चीज़ें मिल जाती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं कि इसको अपने मोगरे प्लांट पे इस्तेमाल करके देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष कुमार, आप देख रहे हैं एसके टेरिस एंड गार्डन टिप्स। दोस्तों आज की वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो घर में बहुत सारे फर्टिलाइजर हमारे पड़े रहते हैं और हमें पता नहीं चल पाता, उसे हम इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो में मैं वही बताऊँगा और ये बताऊँगा कि अगर मोगरा के प्लांट हैं और फूल नहीं आ रहे हैं तो उस पर फूल कैसे आएँगे और हमेशा फूल कैसे बने रहेंगे। वो कुछ टिप्स हैं जो अपना लेते हैं तो हमेशा ही टिप्स बने रहेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल पर अभी नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो मोगरा के प्लांट में आज हम ये देखिए, ये जो घरेलू चीज़ है इसको इस्तेमाल करेंगे और बताएँगे भी कि इसमें क्या क्या मिला है। तो आइए अब इसे इस्तेमाल करके बताते हैं, तब तक हम कुछ और देख लेते हैं। तो देखिए ये मोगरा का प्लांट हमारा है जो हमेशा ही फूल देता रहता है। उसका कारण होता है कि कुछ जैसे ये जैसे फूल आपके आ जाएं, जैसे लंबी कोई टहनी ले लें, फूल आ जाए तो यहाँ से तीन पत्ते, एक दो तीन पत्ते छोड़ के यहाँ से जैसे ही फूल ख़त्म हो तो यहाँ से कट लगा देंगे। जैसे देखिए यहाँ से फूल आने के बाद हमने कट लगा दिया था तो यहाँ के बाद तुरंत यहाँ आया और तुरंत फिर से देखिए फूल फिर से बनना शुरू हो गया। इसी तरह से हमेशा करते रहना होगा हमें मोगरा के प्लांट में, तभी जो है फूल आएंगे आपको हमेशा। जैसे देखिए यहाँ से भी हमने कट कर दिया था तो फिर यहाँ से फूल आना शुरू हो गए। तो ये गुच्छों में फूल आते रहते हैं दोस्तों, लेकिन आपको जैसा ही ये फूल यहाँ से ख़त्म हो तो आपको तीन पत्ते नीचे करके यहाँ से कट लगा देंगे तो इसमें फिर दोबारा ग्रोथ हो जाता है और तुरंत फूल आना शुरू हो जाता है। इस तरह से ये प्लांट हमारे 10 लीटर की बाल्टी में लगा है और हमेशा फूल देता रहता है। जैसे देखिए टॉप पे हमने यहाँ से कट कर दिया था तो यहाँ से देखिए फूल फिर से आना शुरू हो गए हैं और जैसे ही थोड़ा सा बढ़ेगा इसमें भी फूल आना चालू हो जाएगा। इसी तरह से देखिए जहाँ जहाँ हमने यहाँ से देखिए कट कर दिया था और यहाँ से कट करने के बाद देखिए फूल आना शुरू हो गए। तो जैसे ही फूल ये ख़त्म होते हैं, हमारे गुच्छे जैसे ही ख़त्म होते हैं इनको हमें नीचे से काट देना होता है। अगर नहीं काटते हैं, जैसे देखिए ये हमारा पड़ा है, अगर इसे हम नहीं काटेंगे तो दोबारा इसमें फूल नहीं आएगा, सिर्फ लंबा सा बढ़ता जाएगा। इस पार्ट को हमने आपको बना के शेयर किया था, बहुत इजीली बन जाते हैं, इतने हल्के भी होते हैं कि इसमें कोई भी फ्लावर प्लांट आसानी से लगा सकते हैं। देखिए इसमें हम लगाया था और ये भी फूल बढ़िया से आना शुरू हो गया है और देखिए कितना हल्का है कि आप इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के उठा सकते हैं और ये आपके गार्डन में खूबसूरत भी लगते हैं। जहाँ चाहें रख सकते हैं, धूप से बचाना हो तो छाँव में रख दें और छाँव से बचाना धूप की ज़रूरत हो तो आप धूप में रख सकते हैं। ये देखिए मैं एक डाल लेके आया था ड्रम स्टिक का, जो इस नॉर्मल मिट्टी में लगाना है इसको। आप जो है छत पे ये भी लगा सकते हैं, सहजन जिसे कहते हैं, ये ड्रम स्टिक भी कहा जाता है इंग्लिश में इसे। तो इस तरह से आप इसे भी ग्रो करके इससे भी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। थोड़ा प्लांट बड़ा होता है लेकिन बहुत ही ईजिली ये ग्रो हो जाता है। इसको देखिए हमने 20 लीटर के बाल्टी में नॉर्मल मिट्टी में गाड़ दिया था, अब ये जो है कितना अच्छे से हर जगह से ग्रो हो रहा है। जहाँ जहाँ इसके पत्ते पहले से थे वहाँ वहाँ से ये ग्रो होना शुरू हो गया है। तो इसे किसी कोने में छत के रख देंगे तो बहुत ही अच्छे से ये अगले साल ही फ्रूटिंग करेगा और हम आपको शेयर भी करेंगे इसको कि कितना अच्छा सा ये फ्रूटिंग किया। अब जैसे ही इतना बड़ा हो जाइए इसमें जो है आप खाद दे सकते हैं, क्योंकि अभी रूट बहुत कम आए रहते हैं। तो शुरुआत में आपको लगाने समय बस यही ध्यान देना है, जैसे इसको हमने यहाँ से बांध रखा है कि जड़ हमारी बिल्कुल हिले नहीं। अगर जड़ नहीं हिलती है तो आपको ये जो है ग्रो हो जाते हैं आपके प्लांट जो है अपने गार्डन में ही, और इसको जो है 20 लीटर की बाल्टी में बाद में ट्रांसफ़र कर देंगे तो खूब अच्छे से ये फ्रूट देने लगेगा और बहुत ही फायदेमंद होते हैं इसके पत्ते से लेके इसके जो है वेजिटेबल इसमें आते हैं। वो हमारे प्लांटों में दोस्तों इस तरह की चींटियाँ बहुत आ जाती हैं, तो इनसे बचने के लिए या तो यहाँ बील करके पानी डाल दें या फिर एक लक्ष्मण रेखा आता है उससे जो है इस तरह से एक लाइनिंग बना देंगे इस पर अपने गमले पर तो इनका आना बंद हो जाता है, या हल्दी पाउडर डाल सकते हैं। हालांकि हल्दी पाउडर से भाग नहीं पाती हैं,
तो आपको लक्ष्मण रेखा जो चाक स्टिक टाइप का आता है इस तरह से लगा देंगे तो आपको इजीली ग्रो हो जाएगा। ये हमारी मीठी नीम है, अगर इसका केयर नहीं करते हैं, चींटियों को हटाते नहीं हैं, तो ये प्लांट को ख़राब कर डालेंगे और आपका ये प्लांट अच्छे से नहीं चल पाएगा। ये जो देखिए 4x4 के हमने मिट्टी को तैयार किया था रिचार्ज करके, देखिए इसमें पौधे लगा दिए हैं और खूब अच्छी तरह से ये ग्रो भी कर रहे हैं, बहुत जल्द ये अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। ये है ककुम्बर, इसको आप अभी भी लगा सकते हैं, बरसात तक इसको लगाया जा सकता है अगर केयर करते हैं तो। ये तो हर सीज़न में हो जाते हैं, जाड़े में थोड़ी सी दिक्कत होती है लेकिन हर सीज़न में ये हो जाते हैं। दोस्तों ये जो हमने तैयार किया है ये हमारा किचन वेस्ट से निकलने वाला, जैसे कि देखिए इस तरह से आलू के छिलके, खीरे के छिलके, इसको सुखा करके आप हमेशा स्टॉक कर सकते हैं, ये हमेशा ही काम देगा। मैं इस तरह से सुखा करके कई सारे डब्बों में भर लेता हूँ। अब इसमें पानी डाल के जो हम फर्टिलाइजर बनाते हैं वो काम तो बहुत अच्छा करता है लेकिन थोड़ा सा फंगस लगने का डर रहता है, लेकिन अगर इस तरह से सुखा के आप स्टॉक बना लेते हैं और मिट्टी बनाते समय इसे मिला मिला के उसमें जो यूज करते हैं तो ये कोई फंगस नहीं लगता इससे। और इसमें बहुत सारे वेजिटेबल बहुत अच्छे से आते हैं क्योंकि उसमें हर तरह की न्यूट्रिशन की मात्रा भरी रहती है, क्योंकि जितने भी हमारे सब्जियों को छिलके निकलते हैं सबको इस तरह से सुखा के और इस तरह से क्रश करके आप जो किसी डब्बे में भर के हमेशा के लिए रख सकते हैं। इसको अपने प्लांट में देना कैसे है, तो दोस्तों अपने प्लांट की किनारे किनारे की मिट्टी इस तरह से खुदाई कर लें इस तरह से चारों तरफ, और मिट्टी को बीच में प्लांट के पास रख दें इस तरह से। उसके बाद इसमें जो हम निकाले हैं इसका 2 मुट्ठी बहुत काफ़ी है इस प्लांट के अच्छे से फ्लावरिंग के लिए। उसके बाद इसे ढक देंगे, उसी तरह से इधर भी हम करके 2 साइड इसको और किनारे रख के इसे ढक देंगे। उसके बाद दे देंगे पानी। अब ये जो हमने फर्टिलाइज़र किचन वेस्ट का सूखा हुआ डाला है इससे कोई प्लांट को फंगस भी नहीं लगेगा और प्लांट बहुत अच्छी तरह से फ्रूटिंग भी करेगा, फ्लावरिंग करेगा। आप इसे हर तरह के प्लांट में दे सकते हैं, कोई फंगस लगने का कोई डर नहीं रहता। देखिए इस तरह से हम डब्बों में इसे जो है स्टॉक बना के रख लेते हैं और ये हमेशा ही काम देता है। दोस्तों इसमें जो है प्याज के छिलके, देखिए लहसुन के छिलके मैं अलग रखता हूँ क्योंकि इनका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बहुत ही बेहतरीन बनता है। बस रात भर इन प्याज के छिलके और लहसुन के छिलके को रात भर के लिए रख दें और उसको जो है दूसरे दिन जो है अपने प्लांट में उसका लिक्विड डाल दें और जो बचा हुआ वेस्ट है उसे सीधे अपने गार्डन सॉइल के मिट्टी में मिला लें तो बेहतरीन रिजल्ट मिलता रहता है। तो किचन वेस्ट हमेशा ही काम तो इसके इस्तेमाल से गार्डन बिल्कुल हरा भरा रहेगा और कोई भी खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खाद ही पर्याप्त होगी। अगर अच्छी लगी धन्यवाद दोस्तों, कुछ भी लगा हो दोस्तों तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। आपका गार्डन हरा भरा रहे, खूब अच्छी तरह से खिले, आपका फूल भी खिलते रहें, इस तरह से कलियाँ खिलें और ढेर सारे फूल और फल मिले आपको, सब वेजिटेबल मिल सके अच्छी तरह से। ये